गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कितने मसाइल पेंडिंग है, खाता अपडेशन के हर डिपार्टमेंट के भी, सीएमसी हो, अर्बन डेवलपमेंट में हो, रेवेन्यू हो, आरडीपीआर हो, पूरे डिपार्टमेंट के खाता अपडेशन और फ्लैगिंग, ये दोनों चीजों का मेन मुद्दा है हमारा। पहली बार हिजाब का मसला आया पूरा स्टेट में, आप लोगों को मालूम है 15 डिस्ट्रिक्ट के हमारे लेडीज को अलग कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज उन्होंने गवर्नमेंट से सैंक्शन करे हुए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, और यादगिरी के कितने मसाले हैं वफ के, वो पूरे भी हल करते हैं, हमारी उनके ऊपर उम्मीद है। वफ अदालत पिछले दिनों में आप सभी सोशल मीडिया में, प्रेस में सभी देख रहे हैं, कर्नाटक में पहली बार हुकूमत होने के बाद हमारे वक्त मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब ये वफ अदालत का कार्यक्रम बेलगाम में शुरू करे हुए। बेलगाम के बाद हमें बीदर डिस्ट्रिक्ट कर लिए, उसके बाद धारवाड़, हुबली, हावेरी, उत्तर कन्नड़, गदग डिस्ट्रिक्ट खत्म करके आ जाए हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं आपको, ये वफ अदालत किस वजह से कर रहे हैं ये पहले समझना है हमें। इसमें बहुत बड़े चीज हमारा मिनिस्टर साहब के साथ पूरे एंटायर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, ऑल तहसीलदार, एडीएलआर, डीडीएलआर उनके साथ कल मशवरा करते हैं। आज तुम्हारे साथ मशवरा करको, तुम्हारे प्रॉब्लम्स पूरे भी बाइंडिंग बना कर रख ले को, कल उनके पूरे एम्प्लॉयज के साथ उन्हें डिस्कस करको, पूरे तुम्हारे मसाइल हल करने की कोशिश करने लिए आप तुम्हारे गुलबर्गा के साथ आए आपके सामने। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पिछले दिनों से आप सब मालूम है वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा, वक्फ मिनिस्टर क्या हो रहे हैं। पहली बार कर्नाटक के हुकूमत में पूरे मुतवल्लियों को, उनके डिस्ट्रिक्ट को जाकर उनके सामने उनके मसाइल प्रॉब्लम्स ले लेको, मैं वहां हल करना गत बोल को उन्होंने इरादा करी। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे दे, कौम की खिदमत करने अभी अल्लाह उनको मौका दे देगा, तो मैं अजीजाना शरत करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये वफ अदालत होने के बाद पिछले 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमें करी ना, इसमें मेन खाता अपडेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और सीएमसी में, अर्बन डेवलपमेंट में और तुम्हारे तहसीलदार ऑफिस में, एसी ऑफिस में कितने खाता पेंडिंग है और फ्लैग ऑफिंग कितने पेंडिंग है, ये आज तुम्हारे साथ पूरी लिस्ट ले लेको, कल कंसर्ट ऑफिसर के साथ उन्हें बैठ को डिस्कस करको, उनके साथ मीटिंग करको, तुम्हारे पूरे भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कितने मसाइल पेंडिंग है खाता अपडेशन के हर डिपार्टमेंट के भी, हो सीएमसी हो, अर्बन डेवलपमेंट में हो, रेवेन्यू हो, आरडीपीआर हो, आरडीपीआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेंडिंग है, पूरे डिपार्टमेंट के खाता अपडेशन और फ्लैगिंग, ये दोनों चीजों का मेन मुद्दा है हमारा। उसके साथ साथ एनक्रोच का, उन्हों मिनिस्टर के बनने के बाद मुझे एक डायरेक्शन दिए, अभी गुलबर्गा से बेंगलुरु बहुत दूर है, मुतवल्लियों को बहुत तकलीफ होती है इधर आने की वजह से, तुम्हें उधर ही जाको, तुम्हें बोर्ड की एक मीटिंग गुलबर्गा में करना का, तो बोलको मुझे डायरेक्शन दिए थे मिनिस्टर साहब। उसके डायरेक्शन के हिसाब से मैं पहली बार चेयरमैन बनने के बाद कर्नाटक के हिस्ट्री में मैं गुलबर्गा डिवीजन में मैं मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग में इधर मुंतखब किया था। उसके हमारे मिनिस्टर साहब साथ हैं, हमारे खनिज फातिमा मैडम भी हमारा फुल सपोर्ट करे, मेरे पूरे बोर्ड के मेंबर भी पूरे मुझे साथ दिए, पूरे मिलने का हमें बोर्ड की मीटिंग भी इधर करे, इसी तरीके से हर डिवीजन में बेलगाम डिवीजन में भी मीटिंग करे, हमें हुए सत्य प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और ये वफ अदालत कब शुरू करे, उसके बाद तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। बीदर में पहले करे हमें, बीदर में बहुत सारे हमारे खाता अपडेट पेंडिंग थे, फ्लैगिंग पेंडिंग थे, पूरे 80% वो क्लियर हुए अभी, इसलिए गुलबर्गा डिवीजन भी हमें बहुत अच्छा एक वफ अदालत करको, वहां के जो जो खाता पेंडिंग है, क्या क्या कौन से ऑफिस में कितने हमारे वफ के मसाइल पेंडिंग है, वो पूरे भी हमें क्लियर करना का, तो हमारे मिनिस्टर साहब बहुत बड़ा उन्होंने एक कदम आगे रखे हैं, उनका हमें पूरे भी मिलने को, पूरे मुतवल्लिया हमें बोर्ड वाले साहब उनके साथ हैं, उन्होंने क्या भी करें दे अच्छा काम करते हैं, तो मैं ये तुम्हारे तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं। और एक साल में के बाद बहुत सारे वर्क बोर्ड में चेंजेस लाए,
देखो पहली बार हिजाब का मसला आया पूरा स्टेट में, आप लोगों को मालूम है। कल कलबुर्गी में पहली कैबिनेट मीटिंग कर को, जिस कैबिनेट मीटिंग में 15 डिस्ट्रिक्ट के वुमेन्स कॉलेज, हमारे लेडीज को अलग कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज उन्होंने गवर्नमेंट से सैंक्शन करे हुए, हम लोगों की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ हमारे गरीब लोग आए पूरे हर खेड़े में से, रात को तबियत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस की बहुत उसमें हमना मुश्किल होता है, बोल को उनके खुद के वीडीपी अमाउंट से 15 करोड़ रुपए हमना वक्फ बोर्ड को पैसे देखो, हर डिस्ट्रिक्ट को एक 30 पर 8 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस अब सारे तुम्हें देख रहे हैं, ये स्पेशल एम्बुलेंस विथ ICU और वेंटिलेटर के साथ तुम्हें 500 किलोमीटर भी हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट को ले सक जाते हैं। इसी ऐसा अच्छा हमने मौका बना को दिए हमारे बीजेट जमीर अहमद साहब, हम तमाम लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बाहर 2 दिन 3 दिन कौन तो हमारे घर में मौत हुई तो ये डेड बॉडी रखने के लिए हमें फ्रीजर को ढूंढने को हॉस्पिटल को जाते हैं, हॉस्पिटल से ले लेकर रख लेते हैं। ये तकलीफ होना नहीं मेरी अवाम को, गत बोल को वो खुद उनके VDP अमाउंट से पूरे तालुक को हेडक्वार्टर को 270 फ्रीजर उन्हों परचेज कर को रेडी रखे हैं। अभी 4-5 दिन के अंदर पूरे तुम्हारे तालुक के एक एक फ्रीजर भी उन्हों देने का इंतजाम किए हैं। इसलिए भी मैं तमाम लोगों की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ये वफ अदालत मैं इम्पोर्टेंट ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, वफ अदालत में कितने हमने फायदा हो रही, इसमें इम्पोर्टेंट डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ADLR DDLR कल आपके साथ आज मीटिंग करको, कल पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ जमीर अहमद साहब की सदारत में मीटिंग चलती, जो भी कितना डिस्ट्रिक्ट के और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के कितने मसाले हैं वफ के, वो पूरे भी हल करते हैं, हमारी उनके ऊपर उम्मीद है। क्योंकि अभी पिछले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे 8 वक्फ अदालत कंप्लीट किए हुए हैं, उस पूरे हमारे हल वफ के जो जो मसाइल पेंडिंग थे वो पूरे भी हल हो, 80% पूरे हल हो हैं। गुलबर्गा और यादगिरी भी हमें कल मीटिंग करके ऑफिशियल के साथ पूरे भी हमारे मसाइल हल होते हैं, मैं उम्मीद रखते हुए मुझे इधर बुलाकर बात करने मौका दिए से तमाम लोगों का, मुतोलियां का और स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमाए जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।